तुम लोगों ने अपनी रहनी खराब की हुई है। ना तुम लोगों का समय से उठना, ना बैठना, ना खाना, ना सोना, कुछ नहीं। व्यवहार सिद्धि तो थी नहीं। अब जब यहाँ आके रहते हो तो यहाँ सब कुछ चलता है टाइम के अकॉर्डिंग, परेशानी तो आएगी। सहलोगे इस परेशानी को तो कुछ बन जाओगे, वरना ऐसे उठ के उतरे जाओगे। यही तो है, सब लोग दुनिया में ऐसे हैं। हड्डियाँ हराम हैं सबकी। सेवा ना करनी पड़े, सब कुछ हाथ में मिल जाए तो बड़े खुश रहते हैं बच्चे। ये सब दोष तुम्हारे माँ बाप का है, तुम लोगों को बचपन से संटियाँ लगाई नहीं है। तुम लोगों को पाला है बहुत लाड़ों से, बेटा पैदा हो गया वे चाटो बेटे को बैठ के। इतनी लेजीनेस में क्या करोगे? लेजी व्यक्ति कहीं कामयाब नहीं होता, तुम ये समझ लेना। ना पढ़ाई में कामयाबी मिलेगी, ना घर गृहस्थ में कामयाबी मिलेगी। गुरु के पास तो खैर कामयाबी है ही नहीं। गुरु को तो तमोगुणी व्यक्ति वैसे ही नहीं अच्छा लगता, जिसके अंदर आलस भरा हो, निद्रा भरी हो, गफलत भरी हो। यहाँ तो क्या करेगा वो। विवेकानंद बोलते थे, मेरे को सुस्त सन्यासी नहीं चाहिए, पर मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो एक्टिव हों। ये शरीर है ना, इसको जैसा चलाओगे वैसा चलेगा। इसको बहुत खिलाने की आदत डाल दो, भूख बढ़ जाएगी। बहुत सोने की आदत डाल दो, नींद बढ़ जाएगी। ये इस शरीर की हालत है। अगर इससे सेवा लोगे ये सेवा करेगा, नहीं लोगे ये आलस होके पड़ा रहेगा आलस में अपने। हम लोगों को तो भगवान बोलते थे, फिर आलसी व्यक्ति खटमल और कीड़े पैदा कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता। पड़ा रहेगा उसकी चारपाई में, खटमल हो जाएंगे। इस उम्र में कोई ऐसा होता है सेवा से जी चुराए, आलसी बने? इस एज में तो कितनी एनर्जी होती है, दौड़ दौड़ के तुम कितनी सेवा कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं। शरीर को भी चलाना सीखो। दादाजी बोलते थे, नौकर रखते हो तीन वेला खाना खाता है और उससे कितना काम लेते हो, और इस शरीर को तो चार बार पांच बार पता नहीं कितनी बार खिलाते हो, कितना अच्छा पहनाते हो, कितनी अच्छी साबुन लगाते हो, एक एक चीज़ ढूंढ के लाते हो, और इससे सेवा लेने में कतराते हो। इससे तो जी भर के सेवा लो। ज्ञानी कभी खाली नहीं बैठता है, कोई ना कोई सेवा ढूंढ लेता है अपने लिए, कार्य करता रहता है। तुम लोग क्या करते हो सारे दिन में? तुम्हारी तो एनर्जी कहीं लग भी नहीं रही है। सारा दिन सुनते हो ज्ञान, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने में देखो कितनी एनर्जी लगती है। हर चीज़ का सुख तुम्हें दिया जाता है, फिर थोड़ा तो शरीर को चलाओगे ना। इसको नहीं चलाओगे तो ये बीमारियों का घर बन जाएगा। आलसी व्यक्ति हमेशा तुम्हें बीमारी मिलेंगे, क्या करेंगे बेचारे। और कई लोगों को देखो, मिलिट्री के लोग होते हैं, कुछ होते हैं, वो 80-90 ईयर्स तक भी ऐसे यंग बने रहते हैं। सुबह सुबह वॉक करने जाएंगे, डिसिप्लिन है ना। तुम लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। जग रहे हैं रात को तो 12 बज गई जगे जा रहे हैं, नहीं खाया पूरे दिन, नहीं खाया फिर खाया तो इतना ठूस दिया कि तीन टाइम की रोटी इकट्ठी खा ली। कोई जीवन है ये? जानवरों की तरह क्यों जीना है? इंसानों की तरह जियो। हर काम में डिसिप्लिन होना चाहिए। समय से उठना, समय से खाना, समय से सोना, हर काम अच्छे से होना चाहिए। ज्ञानवान की एक रहत होती है ना, रहत नहीं बनाते हैं अपनी तो क्या करोगे। जब इंसान हर तरह से एक्टिव होता है तो अपनी पढ़ाई में, जॉब में, वहाँ भी एक्टिव होता है। और जब नहीं होते ना एक्टिव, फिर किसी फील्ड में भी एक्टिव नहीं है। हम लोगों को भगवान साथ ले चलते थे, बोलते थे देखो तुम्हें सब कुछ आता होगा तो हम साथ ले चलेंगे,
अब तेरे साथ मुझे चार और ले जाने पड़े तो फिर हम नहीं ले जाएंगे, हमको ऑल इन वन चाहिए भाई। कहीं जाना है भजन भी गा लो, ढोलक भी बजा लो, सत्संग की जरूरत पड़े वो भी कर लो, मुझे पानी वानी देना पड़े, कोई पापड़ भून के देना पड़े वो भी कर लो। कहते थे तब तो ले चलूँगी साथ, पर तुम्हारे साथ अगर दो और ले जाने पड़े तो मैं तुम्हें ही छोड़ जाऊँगी। सारा काम सीख लो, या तो एक्टिव बन जाओ तब तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर आलसी व्यक्ति को वो भी साथ नहीं रखते थे। तुम ये भी तो सोचो ना, इतना समय से तुम आते हैं, तुम क्लोज क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अपने आलस में ही पड़े रहते हो। किसी ने सेवा में लगाया, जबरदस्ती कर दी थोड़ी सी, उसके बाद छुट्टी। एक्टिव बनो, लड़के तो कितना काम करते हैं। इस एज में तो तुम्हें कितनी मेहनत करनी चाहिए। हम पढ़ाई करते थे तो भी भगवान बोलते थे ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकालो, बोझ क्यों बने हो घर वालों पे? तुम ट्यूशन पढ़ा सकते हो, दो घंटा तो भी ट्यूशन पढ़ाने भेजते थे। जाओ किसी के घर जाके पढ़ाओ, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। और ऐसे सुई की नोक पे चलाते थे। यहाँ भी कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है, अपने आप को रगड़ना तो पड़ता है। अभी भी बोला भगवान ने, जो घिसेगा नहीं वो वसेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो घिसना पड़ेगा। अब तुम लोगों को पड़े हो ना ऐसी जगह, पुरानी सोच के लोग हैं तुम्हारे घर के लोग, बेटा माना सिर पे ही चढ़ा लो उसको, यहाँ कोई नहीं चढ़ाएगा। यहाँ तो जितने राजे बेटे आते हैं ना, उनको हम कुलीगिरी करवाते हैं। चल सामान उठा, तीसरी मंजिल पे रखा, चल उठ झाड़ू लगा, चल पोछा लगा। ये जितने राजे बेटे हैं ना, पहले उनका ये सारा रजाई शानो शौकत ये सब हम गवाते हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं यहाँ हम कबूल करते किसी को, ये बात तुम समझ लेना अच्छे से। अभी तो शुरुआत हुई है, और रहेगा तो और रगड़ा जाएगा, रगड़ रगड़ के कीमा बना देते, तब काम बनता है। यहाँ पे शरीर घिसता है तो मन का अहंकार भी घिसता है। कारण है, गुरु नानक देव जी ने क्यों चलाए गुरुद्वारे में ये सब, पोचा लगाओ, बर्तन मांजो, लंगर खिलाओ, क्यों किया उन्होंने ये सब? वो जानते थे कि यहाँ सब हरामखोर लोग आके बैठ जाएंगे आलसी, और उसके बाद मेरे सिर पे बैठे रहेंगे सारा दिन। गुरुजी रोटी बनवा दो खा लें, हमारे बर्तन कोई मांज दे, सफाई कोई कर दे। उन्होंने गुरुद्वारे में ही चलन चला दिया, चलो बेटा सब आओ, सेवा करो, फिर दो फुलका खाओ। गुरु के घर की दो रोटी ऐसे नहीं खाना। यहाँ हराम की रोटी तो मिलती नहीं है, यहाँ सेवा से रोटी मिलती है। सेवा करो और खाओ, अपनी सेवा करो, सबकी सेवा करो, सेवा में मेवा है। आलसी को क्या प्राप्त होगा? हड्डियाँ हराम होएंगी बैठे बैठे, और क्या होगा? हम लोग फ्री होते थे ना, सुबह सत्संग होता था भगवान के पास, 6 बजे सत्संग हो गया समझो, 7-7:30 तक गुरु जी आते थे, 10, 11, 11:30। तो रोज पूछ लेते थे, आज क्या करने वाले हो? जाओ छतें साफ कर लो, जाओ ऊपर के बाथरूम्स धो लो, जाओ फलाना काम कर लो। रोज़ उनके पास कोई ना कोई सेवा होती थी। कहते थे 3-4 घंटे सब खाली क्या करोगे? हालांकि हम लोगों को तो आदत भी नहीं थी, हम लिखते पढ़ते रहते थे, तो भी वो बोलते थे नहीं चलो सेवा करो। और गुरु का कोई भरोसा नहीं कैसी भी सेवा कराए। तुम ये भी मत सोचना हम कोई मेड है क्या, हम झाड़ू पोछा करें। गुरु के पास तो सारी मेड हैं। हम जाते थे डॉक्टर के पास, नेचुरोपैथी का था, वो कहता था यहाँ सारे ही सेठ हैं, सारे ही नौकर हैं। वहाँ भी सेल्फ सर्विस थी, अगर तुम रहो अपने कमरे में झाड़ू पोछा खुद लगाओगे, वो नहीं लगा के देंगे। किचन थी उनकी बनी हुई, अपनी बर्तन लेके वहाँ जाके लाइन में लगो, वहाँ खाना मिलता था। पर रोज़ वो एक लेक्चर करता था, यहाँ सभी सेठ हैं, सभी नौकर हैं। सारे सेठ कैसे हैं भाई? सारे ही लोगों का घर है। नौकर कैसे हैं? सब अपना अपना काम खुद करेंगे। लेना रहा गुरु नानक देव जी के पास, कितनी उसने सेवा की।
सुबह पानी भरने जाता था 4 बजे और उल्टे पैर, गुरु को पीठ नहीं दे सकता था, उल्टे पैर जाता था नदी तक, फिर पानी भर के लेके आता था, गुरु को स्नान कराता था, उनके कपड़े धोता था। आजकल तो कोई पर्सनल सेवा भी नहीं है, लेकिन जहाँ तुम लोग रहते हो अपनी अपनी सेवा तो कम से कम कर ही सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। उल्टा यहाँ से सीख के जाओ, घर में जाके भी अपनी सेवा खुद करो। कितनी गंदी आदत होती है तुम लड़कों को कि अपना टीवी चलाया, मम्मी पानी दे दो, मम्मी रोटी दे जाओ, मम्मी चाय दे जाओ, वो तब नहीं लगता कि वो नौकरानी है, मेड है क्या? खुद काम करने में लगता है हम मेड है क्या, और उनसे काम करवाने में नहीं लगता। तुम इतना बड़ा 25 साल का घोड़ा पड़ा हुआ है, उठ के किचन तक जाओ, अपनी थाली ले आओ, क्या हमको थाली दे दो हम खाएं रोटी। हम लोग छोटे थे, हमारे घरों में कुछ ऐसा रिवाज नहीं था, सब सेवा करते थे, किचन से बर्तन वर्तन सब लाओ खाओ इकट्ठे बैठ के, लेकिन सब काम करते थे। पता नहीं तुम्हारी माओ ने तुम्हें पाला भी कैसे, आलस की टोकरी बना के रखा हुआ है, पड़ा रहे एक जगह अजगर है क्या? वहीं बैठे बैठे खा लेता है, वहीं बैठे बैठे सो लेता है, वहीं सोफे पे सो जाएंगे, वहीं खा लिया, वहीं सो लिया, वहीं टीवी देख लिया। तुम्हारे घरों से तो सोफे ही हटा देने चाहिए और टीवी भी। टीवी टीवी की बीमारी बन गई है और क्या है, कहाँ जाता है समय तुम लोगों का? मोबाइल में, टीवी में, इन्हीं चीज़ों में जाता है ना, और हड्डियाँ हो गई हैं, हराम ये हिल के राज़ी नहीं, कोई काम करके राज़ी नहीं। इतने बड़े बड़े लड़के तुमको अभी बोले एक कप चाय बना के लाओ, तुम्हें चाय नहीं बनानी आती होगी, इतने पल के बड़े हो गए हो, एक कप चाय नहीं बनानी आती, अपने लिए दूध नहीं बनाने आता। दूध बनाने में करना क्या है, गर्म करके एक चीनी का चम्मच डालना, दूध नहीं बनाने आता। एक बोल दो ना चाय कप में ही डाल दो, आधी चाय बाहर गिर जाएगी, अकल ही नहीं तुम लोगों को, क्या कभी किया ही नहीं है। और हमको पता है भगवान कैसे भांपते होते थे, एक बार खड़े थे कहते फ्रूट काट दे, मैं फ्रूट काटा तो हाथ देख के कहते अच्छा तेरे को आदत है काम करने की। मैंने कहा आप ये देख रहे थे? बोले हाँ मैं देख रही थी छिलका कैसे उतारता है, काटता कैसे है, देख रही थी मैं, काम करने आता है कुछ नहीं आता है। यहाँ तो कम से कम अपनी सेवा करनी तो आनी चाहिए, देखो किसी की भी ना करो, अपनी सेवा के योग्य तो तुम्हें बनना पड़ेगा। और बाकी तुम इतना ऋण लेते हो गुरु से, अगर थोड़ी बहुत सेवा शरीर से हो जाए अच्छा ही है ना, अपने आप की भी तो शर्म आती है, शर्म नहीं आती इंसान को? तुम रहते हो, तुम सेवा लेते हो, 3 टाइम तुम्हें खाने की थाली हाथ में दी जाती है, कभी किसी काम से जाते हो, कुछ होता है, इतने अच्छे हैं बच्चे बेचारे, तुमसे ये भी पूछते हैं 2 चपाती पैक कर दें ले जाओ, भूखे मत रहना दिन भर, इतनी तुम्हारी सेवा होती है, तुम्हें भी तो शर्म आनी चाहिए कि हम करें। एक बार हम वहाँ गए थे सबको लेके, तो भगवान को क्या मौज आई, पहले तो बनाया कुछ हलवाई ने, सिंधी कड़ी बनाई थी शायद, वो बिगड़ गई, तो सब बोले अब फेंकें कुछ और बनाएं, 3 बज रहा था, खाने का भी टाइम था। भगवान कहने लगे तुम रहने दो, जरा सा बेसन भुनो कोई जना, मैं आ रही हूँ ऊपर। ऊपर आए उन्होंने, उसको हलवाई की कड़ी को भी ठीक कर दिया, खुद किचन में खड़े होके फर्स्ट क्लास उसको बना दिया, बोले अब खाओ देखो टेस्ट ठीक है। तो मौज आ गई, दोपहर को बैठ गए वहीं ऊपर हम लोगों के साथ, बातें करते करते कहते हैं आज शाम का खाना तुम जेंट्स लोग बनाओ, आज लेडीज रेस्ट करेंगी। बनाया गया खाना, सारा खाना बन गया। बोले देखो रोज खाना बनता है, पहले जेंट्स को नंबर आता है खाने का, हाँ जी आज लेडीज को बिठा के खिलाओ, तुम लोग सर्व करो, ये खाएंगी, बाद में कमती बढ़ती जो अपना ठीक कर लेना जैसे ये लोग करती हैं। चलो वो भी हुआ, सबने खा लिया, लास्ट में हम लोगों ने भी खाया। और बोले जो ये सर्व करती हैं इनको कोई नहीं सर्व करता, ये अपनी थालियां लगा के खुद खाते, बिल्कुल तुम लोग भी, लड़कियों को बोला कोई एक चम्मच भी नहीं धोके देगा, साइड हो जाओ सब, ये लोग अपने आप खाएंगे। और एक कुर्सी रख के दूसरी सामने रख के टांग पे टांग चढ़ा के बैठ गए। कहते हैं आज मैं तुम्हें बताती हूँ सास कैसी होती है। अच्छा चलो,
सब हुआ, खाना वाना खाया गया, भजन हुआ थोड़ा सा। अब हम लोगों को लगे 10:30 हो गई, उतर ही नहीं रहे। और लेडीज़ ना जो खाना खाया वो थालियाँ मांझने लगी, नहीं रख दो रख दो, अभी रख दो। 10:30-11 बोलते हैं, तुम लोग जो बैठे हुए बर्तन कौन मांझेगा? जब सारी रसोई आज तुम लोगों ने संभाली है, बर्तन कौन मांझेगा? उठो लड़के सारे, सबको बिठा दिया, थालियाँ मांझी गईं, बाहर आ गए जहाँ छत पे ही ना साइड में नल लगा हुआ था, बर्तन वहाँ धुलते थे ऊपर, वहाँ कुर्सी लेके आ गए। बोले मैं देखूंगी बर्तन साफ धुल रहे हैं कि नहीं। लड़कियाँ बोले हम देख लेंगे, आप उतर जाओ, आप रेस्ट करो। हम लोग भी बोले हम लोग साफ धोएंगे, आप जाओ। नहीं मैं देखूंगी यहाँ बैठ के, काम करो तुम लोग जल्दी से। और बिल्कुल वही टोन ऊंची, ऐसे करो ऐसे करो। चलो सारी थालियाँ मंज गई, चम्मच धुल गए, टेबल पे वो डाइनिंग होती थी उस पर फैला देते थे सूखने के लिए, वो हो गया। अब रह गए बड़े बड़े पतीले कुकर, कह रहे हैं ये भी मांजो, मंजवा के जाऊंगी ये भी। और जो लड़कियां जरा सी कोई हेल्प करने, कोई सर्फ देने भी आ रहा था ना, तो उसको ये तुम्हें सर्फ देने आते हैं, जाओ यहाँ से, तुम लोगों को रजोगुण। सारी लेडीज सुला दी, अकेले हम लोगों के पास बैठे रहे 11:30-12। जब पूरी रसोई भी हम लोगों ने धो ली, शेल्फें भी साफ कर ली, बर्तन भी पोंछ के ठिकाने लगा दिए, तब नीचे उतरे। तुम जानते हो गुरु की लीला क्या होती है। एक उन्होंने परखा सबको, फिर बात बताई अगले दिन, कहने लगे अगर तुम्हें आदत नहीं होगी, तुम उद्देश्य बनाना भी चाहोगे ना नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन कोई ना कोई साथी चाहेगा, मेरे को तो ये नहीं आता, मेरे को तो वो नहीं आता। बोलते थे हर काम सीखो अपने लिए, नहीं तो फिर तुम्हारा मन जाएगा बाहर, और बाहर जाएगा मन, तुम्हें कोई साथी चाहिए, फिर कहोगे नौकरी भी करूं, ऐसे तो कोई छोकरी नहीं देगा तुम्हें, फंस जाओगे पूरे गृहस्थी में, सन्यासी से गृहस्थी की यात्रा शुरू हो जाएगी तुम्हारी। इसीलिए सेवा करनी आनी चाहिए। हर काम कराते थे, बनवाते भी थे, धुलवाते भी थे, सब काम कराते थे। कभी कभी तो अपने रूम में भी बुला लेते थे, आज किसी लड़की को टाइम नहीं मिला जरा साफ कर दो, कभी कमरे में बैठे हो कुछ गिर जाए, जाओ पोछा ले आओ, अच्छे से लगा दो पोछा, कर दो ये काम, ऐसा सब कराते थे। यहाँ पर तुम ये समझ लो तुम्हारी हर तरह की ट्रेनिंग है। हम लोगों को सेवा नहीं चाहिए किसी की, मेड भी रख सकते हैं, अभी कोई इतनी आफत तो नहीं है, एक काम वाली रख दें, एक वो रख दें सफाई वाला जमादार, सारे बाथरूम धो जाएगा, झाड़ू पोछे भी कर जाएगा। लेकिन तुम सब क्या करोगे, सिर्फ सारा दिन बैठे रहोगे, पूरे दिन ज्ञान में भी कोई मन नहीं रख पाता। अगर मैं कहूँ सारा दिन तुम ज्ञान में मन रखो, एक के बाद एक बैठ के लेक्चर करे, तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा शाम तक, या सारा दिन तुम्हें लिखने में लगा दें, तो ये तो जैसे एक स्कूल में होता है ना पीरियड चेंज हो जाते हैं, ये थोड़े पीरियड चेंज हो जाते हैं। सुबह तुमने भजन कर लिया, उसके बाद सत्संग हो गया, फिर थोड़ा अपना लिख पढ़ लिया, थोड़ी सेवा कर ली, ये पार्ट हो जाते हैं, तो मन जैसे भगवान में ही लगा रहता है, लेकिन बोरियत नहीं आती है। अब कोई काम ना हो, सेवा ना हो, क्या करोगे? खाली तुम भी नहीं बिठाते किसी को, तुम ये सोचो ना मैं जीवन यहाँ दे दूंगा, फिर हम निष्काम में भी भगाते हैं बहुत सारा, भागो, ये बीमार है जाओ, फलाना ऐसे है सेवा करो, हॉस्पिटल में रहो किसी के पास, वो मत सोच लेना मजदूरों की तरह। सत्संग हुआ एक जगह, मजदूरों ने सुन लिया, अब सत्संग पूरा हुआ, संत के लिए इतना बड़ा जूस का गिलास आ गया, मजदूर कहने लगे वाह भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम है, ऐसे एक घंटा बोल लो अपना, उसके बाद जूस पी लो। संत को बात पता चल गई, बोला आओ तुम्हें भी जूस पिलाता हूँ। बोले हाँ, ऐसे सारा दिन पत्थर तोड़ते। संत ने 3 मजदूरों को अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया, माला दे दी, जपते रहो बेटा बैठ के। 2-3 घंटे हो गए, जूस का गिलास भेज दिया, फिर 2 घंटे हुए, भोजन का थाल भेज दिया,
बाहर भागे, बोले हमें भूख भूख नहीं है, हमें कुछ नहीं खाना, हम जा रहे पत्थर कूटने। क्या हुआ? कह रहे हैं अकेली कोठरी में बस माला जपो। हाँ वहाँ हम पत्थर कूटते थे, बीड़ी पीते थे, गप्पे मारते थे, भूख भूख भी लगती थी। बोला आप समझ आया, तुम लोग भी अट्रैक्ट होके आ जाते हो, देखते हो ना गुरु का जीवन, देखते हो अट्रैक्ट होके आ जाते हो, पर तुम तो सिर्फ सत्संग में देख रहे हो, एक 24 घंटा साथ रह देखो, पता चल जाएगा तुम्हें, दिमाग ठिकाने आ जाएगा, चल के देखो। हमारे पास कोई आता है ना, बाहर वाले लोग आते हैं, 4-5 दिन रह जाते, हफ्ता रह जाते, अब चांस की बात होती है, कई बार बहुत निकलना हो जाता है, फिर घर जाके सोते हैं, 2-2 दिन सत्संग ही नहीं जाते, को ना बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत एग्जर्शन हो गई। तुम्हें तो एग्जर्शन हो गई, जो यहाँ रोज एग्जर्शन कर रहा है वो, तुम्हें तो 5 दिन में एग्जर्शन हो गई, हफ्ते में एग्जर्शन हो गई, यहाँ क्या, यहाँ शरीर में दर्द नहीं होता होगा, थकता नहीं होगा, लेकिन गुरु ने चलना सिखाया, चरेवेती चरेवेती चरेवेती, चलो आगे, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रहे नौजवान, बढ़ो आगे, शरीर से कुछ ना कुछ होता रहे, उल्टा खुद को आदत होनी चाहिए शरीर से कुछ ना कुछ कार्य होता रहे। क्यों सारा समय शरीर बेकार बैठा रहे? यहाँ बेकार कोई भी नहीं है, हम लोगों में जितने भी सब यहाँ रहते हैं ना, बेकार कोई भी नहीं है, बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी बेकार नहीं हैं, इनके पास भी काम है, कंप्यूटर चलाने सिखा दिए हैं सबको, टाइपिंग करनी सिखा दी है, कुछ ना कुछ काम हर एक के पास है, कोई फ्री बैठता ही नहीं है। खाली दिमाग तो शैतान का घर है, खाली बिठा दूं तो अभी राग द्वेष हो जाएंगे सबके, सब एक दूसरे के कर्म देखेंगे, इसने ये किया उसने वो किया, पर इनको इतनी सेवा है सबके पास कि किसी को सिर खुजाने की फुर्सत नहीं है, देख ही नहीं सकते दाएं बाएं, क्योंकि अपनी झोंपड़ी में पहले आग लगी हुई है। हम रोज पूछते हैं क्या किया आज, कितना काम हो गया, कितनी देर कंप्यूटर पे काम किया, कितनी देर टाइपिंग किया, सब लगे रहते, खाली क्यों बैठना है? हम लोग नहीं खाली बैठते, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहते, और कुछ नहीं मिलता, वाणियों को ठीक करके किसी बुक के लिए मैटर तैयार कर लेते, कुछ ना कुछ चलता रहता है, खाली तो बैठते ही नहीं है। छुट्टियां आती हैं तो 2 महीने पहले काम शुरू करते, क्या सुनाएं, क्या क्रिएट करें, कैसा करें, फिर जन्माष्टमी आ जाती है, फिर उसके लिए क्रिएशन है कुछ ना कुछ, हम लोग खुद ही नहीं फ्री रहते। यहाँ तो खाली हम नहीं बैठने देते किसी को, अगर तुम गलती से आ गए हो तो आज हरिओम करके जा सकते हो, लेकिन यहाँ तो हम पीस मारते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने ही पीसा हम लोगों को, सांस ही नहीं लेने देते थे वो, जरा सा 2 मिनट अगर वो देख ले ना बाहर खड़े कहीं साइड में खड़े, 2 मिनट खाली बैठे, अब कभी कभी ना वाणी लिखते लिखते ही थक जाते थे, तो 5 मिनट लगता था कमर सीधी करके सोफे पे ऐसे हो जाओ, किसी के भी घर होते थे दिन में, और उनकी अचानक आँख खुल गई, ना भी खुले झांकने बहुत आते थे, या किसी लड़की को भेजते थे क्या कर रहे हैं, शाम को सत्संग में पूछते थे तुम्हारी तबीयत खराब है, नहीं तबीयत तो नहीं खराब है, ठीक ठाक है, कमर उमर में दर्द है, नहीं भगवान तो ये आलस क्यों आ रहा था दोपहर को, अच्छा भगवान आज से नहीं करेंगे, एक अंगड़ाई लेने में भी डर लगता था, हम पकड़े जाते थे, बोलते थे कितना आलस है तुम लोगों को, एक्टिव रहो। दादाजी बोलते थे 6 घंटे की नींद इनफ है, 18 घंटे एक्टिव रहो, तुम रहते 18 घंटे एक्टिव, तुम सोचोगे 18 घंटे सोने को मिल जाए, 6 घंटे भी काफी काम कर लिया हमने, उसमें तुम्हारा उठना भी आ गया, नहाना भी आ गया, खाना भी आ गया, उसमें भी तुम्हें लगता है बहुत कुछ कर लिया हमने, जैसे घर जाते हैं ना सब आराम करें जाके, हम 2 दिन घर वालों को कहते हैं हमें छेड़ो नहीं, यानी जैसे कितना काम करके जाते हैं बेचारे, और अच्छा भला रेस्ट है सबको, कोई इतना काम भी नहीं है, आराम के समय आराम भी है, मौज भी है। ऑफिस के लोग दोपहर में सोते हैं क्या? जो लोग ऑफिस में जाप करते हैं वो जाके दोपहर को सोते हैं?
फिर शाम को घर आके काम नहीं करते, जेंट्स लोगों को मार्केट का करना पड़ता है, बीवी बच्चों को ले जाना पड़ता है, लेडीज़ को खाना बनाना पड़ता है, अपने अपने फील्ड में क्या दुनिया वाले सेवा नहीं कर रहे? तभी तो संतों के यहाँ देखो ज़्यादातर गौशाला बनी रहती है, गाय रख लेते हैं। अब हमारे यहाँ तो लिखने पढ़ने का बहुत हिसाब है ना, तो चलो आप लोगों को ये सेवा है, वरना सब संतों के यहाँ तो मैं गाय मिलेंगी क्यों, जो ये शिष्य रहते हैं करे क्या? चलो भैया गाय नहलाओ, भैंस की मालिश करो, गोबर उठाओ, उपले बनाओ, जगह धो, सारा दिन सेवा होती और कठोर सेवा। आसान नहीं है जानवर को नहलाना खिलाना, बहुत मुश्किल काम होता है, दूध दोहना। चलो ये सब जो तुम ये जीन्स वीन्स पहन के घूमते हो ना, सब उतरवा लेते हैं संत, धोती कुर्ता पहनो और काम करो, चलो हीरो बने घूम रहे हो तुम, ये सारी हीरो पंथी निकाल देते हैं संत एक मिनट में, पहले ही दिन समझ के आना। या तुम लोग सोचते हो वहां पिसना पड़ेगा, इससे अच्छा यहाँ आ जाएं, कल्पना कर लेते हो ना, बस यहाँ तो शायद कुछ करना ही नहीं होगा। भगवान बोलते थे ये मेरी गद्दी नजर आती है ना तुम्हें, तुम्हें लगता है इस पे अच्छी चादर पड़ी है, लेकिन बैठ के देखो कांटों का सेज है ये। सारा समय ज्ञानी के पास सुख दिखते हैं, पर ज्ञानी सुख लेता कितने बजे ये बता दो। अभी तुम आओ ऊपर हमारे रूम में, बोलोगे यहाँ तो टीवी भी लगी है, टीवी देखते कब हैं तुम लोगों से खाली होते हैं? बोलोगे एसी भी लगी है रूम में, तुम लोग आके इतनी सफोकेशन कर देते हो, एसी का सुख आता है, दरवाजा ही खोलना पड़ता। बताओ जरा, सुख तो तुम्हें नजर आते हैं ना, ज्ञानी ने सुखमय जीवन नहीं बनाया है, उसने तो अपने को सेवा में लगाया है। और जो व्यक्ति इस गलत फहमी से आ जाता है कि मैं यहाँ पर अपना सेवा लूंगा, सुखी होऊंगा, मौज मस्ती करूंगा, भगवान ज्यादा दिन यहाँ पैर नहीं टिकने देता। यहाँ भी सेवा के भाव से रहना होता है, ये जीवन सबकी सेवा के लिए, कोई दुखी कोई सुखी, कहीं आना कहीं जाना, सारा समय ज्ञानी चलता है, सेवा में रहता है, एक एक की संभाल करता है, एक एक की सिरदर्दी लेता है, एक एक को संभालता है, तेरे घर की क्या स्थिति है, फिर तू ये पढ़ाई कर, फिर तू ऐसे कर, फिर तू साथ सत्संग कैसे निभा, एक जीवन बनाता है ज्ञानी, कितने जीवन लेके चलता है और कितनों को सही सलाह दे के सही मार्ग पे लेके आता है, ये देखा तुमने? पूरे दिन की सिरदर्दी, अपने घर गृहस्थ की भी नहीं है इतनी सिरदर्दी, क्या एक दो बच्चे हैं, ठीक है अपने घर की सेटिंग है, चलते रहेंगे सब, लेकिन यहाँ रोज सेटिंग करो, रोज सबको समझाओ, रोज सबको नए तरीके से बात बताओ, यहाँ भी सेवा है। यहाँ किसने कहा तुम्हें कि खाली बैठ के तुम जा सकते? भगवान तो एक दिन खाली देखते थे ना थोड़ी देर किसी को, शाम को सत्संग में दृष्टांत सुना देते थे कि दो आलसी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, एक आलसी के पेट पर बेर गिरा, वो दूसरे को कहता है प्लीज ये बेर उठा के मेरे मुंह में डाल दे, मतलब इतना आलसी था अपने पेट से मुंह तक भी बेर ले जाना कठिन बेचारे को। दूसरा बोलता है मेरा मुंह इतनी देर से कुत्ता चाट रहा है, मैंने तुझे कहा क्या कि कुत्ते को हटा दे, मैं चुपचाप पड़ा हूं और तू कह रहा है मेरा बेर उठा के मुंह में डाल दे। रोज हम लोग ये दृष्टांत सुनते थे, भगवान बोलते थे तुम्हारा मुंह कुत्ता चाटेगा, जितने आलसी लोग हो ना तुम्हारा मुंह कुत्ता चाटेगा। शर्म आती थी सुन के, भाई कुत्ता क्यों मुंह चाटे, खुद ही सेवा करो, उठो काम में लगो, अच्छी बात है, कुछ देना सीखो, लेने की भावना नहीं, गुरु तुम्हें देना सिखाता है, तुम्हें आदत पड़ी है, सेवा की भी आदत पड़ी है, ले लूं सेवा भी ले लूं सुख भी ले लूं, अरे दियो सेवा भी दो सुख भी दो, उल्टा चार काम फालतू करो, शौक ये होना चाहिए, चार सेवा फालतू करके रहे हम लोग, अच्छी बात है,
हम लोगों को जहाँ भगवान रहते थे ना, जब हम उनके पास जाते थे, फिर एक दिन जरूर वहाँ का प्रोग्राम बना लेते थे, आ जाते थे और आके बोल तुम किस कमरे में ठहरे हो, देखने जाते थे। एक टैची में से कपड़ा भी बाहर नहीं होना चाहिए, कहते थे अगले का घर क्यों फैलाते। तब दीवान वाले वो नहीं होते थे पलंग, आज तो बॉक्स वाले आते हैं ना, पहले नहीं होते थे। कहते थे अपनी टैची समेट के पलंग के नीचे करो, अगले के घर कोई मेहमान आए पता ना चले कोई आया हुआ है, उनका घर फैला हुआ ना लगे। नहा के टावल भी सुखाया, अगर घंटा दो अभी घर खड़े हैं, कहते थे अपना टावल भी टैची में करके आओ, वो क्यों उतारे तुम्हारा टावल पीछे से, उतार के आओ। इतने तत्पर बनो सेवा में, हर काम करो। सुबह से उठ के अगलों के घर का काम भी करते थे, दूध लेके आना है हम लोग ले आते हैं, सब्जी लानी है अच्छा हम ले आते, फिर आके उनके घर के भी झाड़ू पोछे, फिर अगर नहा के निकले बाथरूम भी क्लीन करके आओ, ये नहीं हम नहाए अब अगले बाथरूम साफ करते रहेंगे, वाइपर रखो वहां पर साफ करके आओ, पोछा लगा के आओ, सब काम होता था। नाश्ता खाया, डिनर खाया, लंच तो भगवान के साथ होता था, फिर उसके बर्तन भी मांजो उनके साथ या उनको हटा दो। कहते थे सुख दे के रहोगे तो फिर भी कोई तुम्हें दोबारा बुला लेगा, पर अगर तुम सुखी ना दोगे किसी को तो दोबारा तुम्हें कोई कैसे बुलाएगा। और रहना होता था काफी काफी टाइम, कैसे एडजस्ट हो किसी के घर, अगर सिर्फ सेवा लेने का भाव हो तो आप किसी के घर कैसे एडजस्ट हो पाओगे। जरूर आपको सेवा करके रहना पड़ेगा ना, सेवा करके रहो। जो लोग चले जाते हैं गुरुकुल में, गुरुओं के पास आश्रम में, क्या वो सेवा नहीं करते वहां पर। आजकल तो चलो ये अलग बात हो गई ना कि लेडीज भी रह जाती हैं, जेंट्स के खाने का इंतजाम भी हो जाता है, वरना तो चूल्हे भी लड़के फूकते थे। चलो भाई चूल्हा फूको, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, काम करो, सब करना पड़ता है। जिसका सेवा का स्वभाव नहीं वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। एक लड़की भी ब्याह के जाती है ना, सेवा से घर में बस जाती है, सेवा ही नहीं करेगी तो बसेगी कहां पर। यहां भी जो लोग क्लोज आ जाते हैं सेवा से अपनी जगह बना लेते हैं, और सेवा भी ये नहीं खाना पूर्ति, सेवा भी ढंग से। कोई भी काम कर रहे हो उसको भी बहुत ढंग से करो, ताकि किसी को तुम्हारी सेवा से भी सुख मिले। ये नहीं कि कोई परेशान हो जाए, काम तो किया आधा किया, किसी को बोलो फुलका बना दो, फुलका तो बना आया वो, लेकिन किचन ऐसे ही छोड़ा है, आटा बाहर पड़ा है, शेल्फ पे गिरा है आटा, फैला के छोड़ाया, ऐसा भी नहीं चाहिए। सेवा भी ढंग से होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए सेवा, समेट के आओ, साफ करके आओ, क्लीन करके आओ। और एक इंटरेस्ट होता है, शौक होता है, जो हमको सिखा देता है। जब किसी के अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं होता ना तो वो आलसी बना रहेगा, लेकिन शौक रखोगे, प्यार रखोगे। अब तुम इतने दिन से रहते हैं, तुमको कभी ये भी ख्याल आया मैं एक कप चाय अपने हाथ से बना के पिलाऊं। सिर्फ एक बात पक्की की हुई है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। पर अगर तुम सीखना चाहो, जहाँ प्यार होता है, क्या इंसान को उसके लिए करने में बोझ लगता है, भारी लगता है, सोच के बताओ। जहाँ तुम्हारा प्यार होगा क्या उसके लिए कुछ करने में तुम्हें भारीपन आएगा, दिक्कत आएगी, खुशी होगी हम करें, खुशी होगी हमें आना चाहिए। हमेशा अपने प्यार को, भाव को कोई क्रियान्वित रूप दो, उससे प्यार भी बढ़ता है, भक्ति भी बढ़ती है और आलस का स्वभाव भी जाता है। आलसी व्यक्ति तो किसी को पसंद नहीं, किसको पसंद आएगा, क्या तुम्हें पसंद आएगा।
तुम्हें खुद आलसी व्यक्ति अच्छा लगेगा ये बता दो, नहीं ना, फिर तुम किसी को कैसे अच्छे लगोगे? अगर तुम एक्टिव नहीं बनोगे, तुम सेवाधारी नहीं बनोगे, फिर तुम कैसे किसी को पसंद आओगे, जरा ये भी बता दो। पसंद तो वही आएगा जो यथोचित सेवा करता रहेगा, और यंग एज में तो खास तौर पे। दो लड़कियां आती थी गुरुजी के पास, सत्संग भी अच्छा बताती थी, एक तो करती थी सत्संग, दूसरी भजन अच्छा गाती थी, आती थी गुरुजी के पास, पर सेवा का कोई हिसाब नहीं था, और इतनी बीमार रहती थी। भगवान हमेशा बोलते थे देखो शरीर जो सेवा नहीं करता वो कैसा हो जाता है। जीवन भी दिया, यंग एज से डिवोट भी हुए, पर काम करने की आदत नहीं, सारा दिन शरीर को पकड़ती रहती थी। हम ना बहुत कर नहीं सकते, हम ना थक जाते हैं, हम ना ऐसे, हम ना वैसे, काम कोई नहीं करना, बैठे रहना सारा दिन। और इसी चक्कर में तो भगवान टोकते थे, उनके पास जाना कम हो गया, चलो भाई साल में एक चक्कर मारा है बस, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी 8 दिन रहे। और इतना कलपते थे गुरुजी, बोले आती हैं माइयाँ सत्संग सुनती हैं, फिर अपने दरवाजे बंद कर लेती हैं, ऊपर चढ़ के रूम ले लेती हैं, दरवाजे बंद कर लेती हैं, फिर शाम को निकल आती हैं सत्संग के टाइम। पूरा दिन कोई गुरु से मतलब नहीं, किसी सेवा से मतलब नहीं, तो गुरु की भी तो संतुष्टि नहीं हुई ना, क्या फायदा हुआ? गुरु भी अंदर से प्रसन्न नहीं, जीवन भी लगाया, फायदा कुछ ना हुआ। वो बोलते थे अहंकार तो नहीं मिटाया ना, यहां भी गुरु बन के आए। और तो और उनके जो एक दो साथ चलते थे वो खाना भी ऊपर बना लेते थे, बोला इनके हिसाब का हम बना देंगे। भगवान बोलते थे देखो मर्यादा है गुरु की, वो भी खत्म हो गई। तो ये आलस ने कितना काम खराब करवा दिया, आलस ने कितना गुरु से दूर करा दिया। चाहे 100 गुण और होंगे, लेकिन एक आलस ने काम खराब किया ना, क्यों आलसी बनना? जैसे सूर्य उदय होता है ना, ठंडा होता है, ज्यों ज्यों दोपहर का समय होता है उसका ताप बढ़ जाता है। जवानी की उम्र में बहुत शक्ति होती है, और इस शक्ति का सदुपयोग करना ही चाहिए। आप देखो ना, ये शक्ति तो है, जवानी की शक्ति है तुम्हारी, जीवन शक्ति है, कि अगर इसी शक्ति को भोगों में लगाया तो देखो तुम्हारे जैसा ही एक और बच्चा आ जाता है। पहले जमाने में लोगों को कितने 8-8, 10-10 बच्चे हो जाते थे, है ना, इतनी शक्ति एक एक के अंदर कितनी शक्ति है। अब अगर यही शक्ति तुम अपनी संग्रह करके सेवा में लगाओ, कार्य में लगाओ, तुम कितना कर सकते? जो सेवा तुम अभी भी सारे मिलके करते हो, एक एक भी कर सकते नहीं? कर सकते कितनी देर लगती है? जहां भी रहते हो, समझो तुम सुबह 5:30 बजे एक जना उठो, झाड़ू पोछा कर दो, 6 बजे भजन के लिए बैठते, कितनी देर लगेगी? पर आलस है, ये कर ले वो कर ले। तुम लोगों को तो बहुत गंदी आलस है, खूंटी पे कपड़े टंगे हैं तो उतरेंगे ही नहीं, पहले तो खूंटी पे टंगे क्यों हैं? तुमने चेंज किया, तुम उनको तहा के अंदर डालो, 4-4 दिन 6-6 दिन खूंटी पे कपड़े लटक रहे हैं, धो लोगे तो वो पड़े हैं बाहर, टाइम नहीं मिल रहा समेटने का, टाइम नहीं, टाइम जाता कहाँ है तुम्हारा? सोने के वक्त 10 मिनट लगाओ अपना, समेटो सारा कुछ, कहाँ जाता है तुम्हारा समय? खा पी के यहाँ से जाते हो, कोई तुमको काम नहीं, धंधा नहीं, और उसमें अपनी सेवा करने में भी इतना आलस। अभी तो शुक्र है यहाँ घर वाला हाल नहीं करते, घरों में तो और गंदी आदतें होती, जहाँ कपड़े बदले वो वहीं की वहीं पैंट बैठी हुई है, पजामा वहीं बैठा हुआ है,
भैया उसको उठाएगा कौन? मम्मी उठाएगी पीछे से, जुराबें कहीं हैं, रुमाल कहीं हैं। और इतना गुस्सा करते थे गुरुजी कि घर में तुमने खबरदार ये भी पूछा मेरा रुमाल कहाँ? कहते थे अपनी अलमारी खुद लगाओ और खुद ढूंढो सामान, पहले कोई दूसरा रखेगा फिर ढूंढोगे, देर हो रही है स्कूल को ना आने जाना है। भगवान बोलते थे अपनी स्कूल ड्रेस भी रात को प्रेस करके रखो, जूता भी पॉलिश करके रखो, सुबह ये मत पूछना किसी से मेरी फलानी चीज कहाँ है, चुपचाप उठो तैयार हो जाओ। ये भी व्यर्थ बकवास है, बोलते थे ये भी क्यों बोलते हो सुबह से उठ के घर में, आवश्यकता नहीं है ये भी बोलने की, अपनी शक्ति सेव करो, अपना काम खुद करो चुपचाप में उठ के। और तुम्हारी क्या हालत होती है, किताब गुम है रोज, चीजें गुम है रोज, एक बैग उठाते हो ना तुम लोग कॉलेज जाने के लिए स्कूल जाने के लिए, वो बैग भी 6-6 महीने ठीक नहीं करते, रोज उसमें सामान डाला ऐसे गुदड़ी ले गए फिर ले आए, अरे हर 3-4 दिन बाद उसको साफ करो, खाली करो, दोबारा सेट करो उसको, पता नहीं क्यों आलसी, हर काम बस हो जाएगा पेंडिंग, करेंगे कभी टाइम मिलेगा ना करेंगे, मिलना ही नहीं टाइम तुम्हें, कब्र में पहुंच जाओगे एक दिन, टाइम नहीं मिलने वाला। रहनी अच्छी नहीं है ना जिसकी, वो भी गुरु को पसंद नहीं है, जिसका आचरण अच्छा है गुरु को वो पसंद आता है। तुम्हारे आसपास का वातावरण साफ हो, तुम्हारा सब काम ऑन टाइम हो, तब है मजा। यहां भी रहते हैं ना ये लड़के, फिर इकट्ठा कर लेते हैं, आज ना मैंने 15 दिन के कपड़े धोने, आज ना मैंने 20 दिन, हम मुंह ही देखते रह जाते हैं, 20 दिन से कर क्या रहे हो, 2-3 जोड़े हुए उसको धो के साइड करो, नहीं फिर एक दिन मेरे को खास कह के जाएंगे आज मशीन लगानी है, हम चले जाएं, जैसे पता नहीं लॉन्ड्री का काम खोला हुआ है, सारे घर के कपड़े धोने हैं इन लोगों ने, अरे भैया रोज नहाते नहाते ही एक जोड़े को हाथ मारते जाओ, धुल गया, खत्म हो गया काम, नहीं हम इकट्ठे करते हैं पहले 10 दिन 15 दिन, फिर मुझे बताने आए बहुत कपड़े आज, चले जाएं अभी सत्संग खत्म होते ही आएंगे 2:30-3 बजे तक, कह जाते हैं रोटी रख देना बना के आके खाएंगे, इतना इकट्ठा क्यों किया, आलस और कुछ नहीं है, आलस है। जहां रहते हो घर में जाले लगे हैं कोई बात नहीं, सफाई नहीं है कोई बात नहीं, अभी हम बोल देना अगर आज हम अचानक चल रहे हैं जहां तुम लड़के रहते हो, हम चल रहे हैं, नहीं अभी नहीं चलिए, आप 1-2 दिन में प्रोग्राम बनाइए, अच्छा आना है तो 1 घंटे में आइए, क्यों, पहले सफाई करेंगे जाके, जो फैला के आए हैं वो उठाएंगे, कहीं तौलिया होगा कहीं बनियान होगी कहीं रुमाल होगा वो समेटेंगे जाके, क्योंकि हम तो जाके पकड़ लेंगे, फिर चप्पलें उठाएंगे, कितना छिपाना पड़ता है तुम्हें अगर हम बोलें हम अभी चल रहे हैं, इसका मतलब तुम रोज के काम में आलसी हो। करो वही का वही काम रोज, अगर क्या परेशानी है, पानी पीते हैं घरों में वो बोतलें सोफे के नीचे, ठंडा पानी पिया वो माँ अपने आप उठाएगी धोएगी भरेगी, और भगवान बोलते थे अगर तुमने पानी पिया बोतल भर के फ्रिज में रखो, ये तुम्हारा काम है, तुम लोग तो चलते फिरते बोतल उठाई आ गए फिर उसको यूं करके पी गए, गिलास भी कौन उठाए, या तो मम्मी दे जाए हाथ में गिलास, नहीं तो चल कोई बात नहीं। तभी तो भगवान बोलते थे नंडरे मरे ना माओ, माँ ना मरे छोटे होते, और बड़ी उम्र में बीवी ना मरे, निरुल जाएगा, बीवी कम होती है वो नर्स ज्यादा होती है, सारा दिन संभालती रहती है, छोटा बच्चा है घर में फेंक फांक के चला गया, औरतें बेचारी क्यों कहती हैं ये जाए ना फिर हम घर में काम करते हैं, क्योंकि जब तक वो बैठा रहेगा अखबार फलोर देगा और कुछ नहीं, चल अरे इंसानों की तरह पढ़ लपेट के रख, एक पन्ना यहाँ जा रहा है एक पन्ना यहाँ जा रहा है, रिमोट सोफे के अंदर घुस गई है मिल नहीं रही, 2-2 दिन कहाँ गई रिमोट, वो पड़ा था आलसी बाबा है को वहीं घुसा दी उसने,
क्यों वो यहाँ से उठ के मेज तक रिमोट कैसे रखे बेचारा, वहीं घुसा दी सोफे में, पानी की बोतलें, खाने की थाली। वो एक आती थी, कहती थी अगर मैं आपके यहाँ 4 दिन रहती हूँ ना, जब मैं घर जाती हूँ कमरा सड़ान मार रहा होता है, क्यों वो फल खाता है तो कहती छिलके फर्श पे ही, पानी पीता है तो बोतलें वहीं, थाली वहीं। कहती क्या करूँ, मैंने कहा मेरी मानोगी, कह रही हाँ, मैंने कहा इसको हॉस्टल भेज दे, और उसने भेज दिया, बंदा बन गया। हॉस्टल में कौन करने आएगा, यहाँ तो माँ करेगी। और वो गुस्सा करे जाके तो कहता है सत्संग क्यों जाती हो तुम, तो 4-4 दिन चली जाओ, एक तो शुक्र करो हम खा लेते हैं पीछे से। कह रही है ब्रेड लाता है तो 2-4 स्लाइस खाए, बाकी वहीं पड़ी है 3-4 दिन, बुरा हाल मचाता है घर में। ये लड़कों की रहनी अच्छी नहीं होती है। यहाँ आके रहत सीखो, जहाँ रहते हो कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, तुम लोग कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जीते हो। और सोचते हो हम लड़के हैं, हमारी शान के खिलाफ है, हम क्यों काम करें, हम तो लड़के हैं। तो लड़के हो तो रोटी तो ज़्यादा खाते हो, सेवा ज़्यादा करनी चाहिए तुम्हें। हम लड़के हैं, लड़के हैं तो क्या हुआ, सेवा नहीं करोगे, लड़के हो तो रौब जमाओगे, लड़के हो तो बस एक बीवी ले आओगे फिर वो तुम्हारे काम करती रहेगी, ये तो कोई मतलब ना हुआ। और यहां तो हम वैसे भी तुम्हें रोज कहते हैं, जब तक अपना अहम नहीं हारोगे, पुरुषत्व नहीं भूलोगे, तब तक काम नहीं बनेगा। तो ये भी हेकड़ी मत दिखाओ हम लड़के हैं, तो तुम्हारा अपना ही काम है, हमारा तो किसी का है नहीं। लड़के हो तो हम क्या करें, काम तो करना पड़ेगा, अपनी सेवा तो करनी पड़ेगी। व्यवहार सिद्धि के बिना परमार्थ सिद्धि नहीं, व्यवहार सही होना चाहिए, रहनी ठीक होनी चाहिए। अकेले भी हो ना घर में तो भी घर दमकता रहना चाहिए, पता चले किसी ज्ञानमान के स्थान है, मन लगेगा साधना में। जब तुम्हारे चारों तरफ वातावरण ही अच्छा नहीं होगा, क्या साधना में मन लगेगा, किसका मन लगेगा साधना में। सब कुछ क्लीन क्लियर होना चाहिए। पहले उठोगे देर से, फिर नहाने जाओगे तो जल्दी में नहा के आ गए, पेट है तो उसका कोई सिस्टम नहीं है। सब रहनी गलत है ना, खान पान गलत है, हर चीज गलत है। अगर हम कह देंगे 6 बजे सत्संग, वो भजन की क्लास रखो, भजन किया करो सुबह उठ के, एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिलता ना, क्यों 5 बजे उठो, नींद गवाओ। वो 6 बजे भजन में बैठना है, 6 में 2 मिनट पहले उठेंगे, बस ऐसे उल्टा सीधा मुंह धोया वहीं आके बैठ गए, फिर मांस होगा। फिर सत्संग में क्यों नींद, जिस सुबह बड़ी जल्दी उठते हैं, 6 बजे जल्दी है, 4 बजे से पक्षी उठ जाते हैं, सूर्य देवता 5:45 उदय हो जाता है, तुमको 6 बजे भी लगता है बहुत सुबह उठे हैं, पड़े रहे अभी और भी, भैंस नहीं पानी में पड़ी रहती है गर्मियों में, तुम लोगों को लगता है बस ऐसे कोई एसी वेसी रूम हो हम पड़े रहें, उठना भी ना पड़े, ऐसे आलसी बनते जा रहे सब, और बॉडी पार्ट सब खराब हो रहे हैं, शरीर बेकार हो रहा है, आचरण तो है नहीं ढंग का, ना उठना आता है, ना बैठना आता है, ना खाने का सलीका है, किस चीज का सलीका है बताओ। तुम्हें यही नहीं पता किस चीज के ऊपर कौन सी चीज नुकसान कर जाती है, इतने बड़े बड़े हो गए, पता है अपने शरीर का विज्ञान, ये भी नहीं पता। गाड़ी चला रहे हो दूसरों के भरोसे बस, जैसे घर में एक बीमार हो सारा दिन उसको फीडिंग करता रहे कोई, ऐसे आलसी भी देखें कहते रोटी का भी रोल बना के दे दो, लेटे लेटे खा लूंगा सोफे पे ना, वो उसकी बांह पे तकिया रखा हुआ है, टीवी देख रहे हैं, अरे मम्मी कौन उठेगा, रोल बना के दे दो, चल बीवी को बोलेगा परांठा बना के दे दे, चल कौन उठे, इतनी भी तकलीफ कौन उठाए। तो ये इंसानों का जीवन है, जानवरों का जीवन है,
तुम बता दो, और फिर तुम्हारे घर वालों के पास टाइम होगा इतने लाड़ लड़ाने का, हमारे पास तो अपनी रोटी खाने का टाइम नहीं है, ये लाड़ तो हम तो कर नहीं सकते हैं, हमारे पास तो जितने हाथ हों उतने थोड़े हैं। हम तो कहते हैं और भी तेरे भाई बहन हो तो ले आ सारे मजदूरी करो। हाँ सीधी बात है, तेरे और भी भाई बहन हो तो ले आना उनको, सब करो यहाँ पे। यहाँ तो हम लोग नहीं डरते पुलिस वालों से भी, वो तो क्या वो कहते हैं बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो वो भी होती है, छोटे बच्चे भी आते हैं, चम्मच बांटो, थालियाँ बांटो, जूठे बर्तन रखा, वो भी सेवा करते हैं। यहाँ तो कोई नहीं बख्शा जाता, ना शादीशुदा ना कुआरे, कोई नहीं बख्शा जाता। और नज़दीक आने का सबसे अच्छा साधन सेवा है, और कोई साधन भी नहीं है गुरु के नज़दीक आने का, सबसे अच्छा साधन है सेवा भाव। और सेवा में आनंद आने लगा तो बहुत अच्छे घिस जाओगे, सेवा में आनंद ना महसूस किया बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए आगे बढ़ना। शारीरिक श्रम जरूरी है, आश्रम आ श्रम करियां, नाम ही आश्रम होता है, आओ श्रम करने के लिए। ये समझ लो तुम दुनिया से भी ज्यादा यहां घिसना पड़ता है, अगर तुम्हारा इरादा हो तो लौट जाओ बेशक, यहां ज्यादा घिसना पड़ेगा। और अभी तो हम फिर भी छुट्टी दे देते हैं, चलो कभी कभार एक आध दिन बोलते हो चला जाऊं हो आऊं, अब तुमने बता दिया कि मैं इसलिए भागता हूं, अब वो छुट्टी भी नहीं मिलेगी। अब हम सोचते थे मिलने जाता है घर में, तुमने रहस्य खोल दिया कि मेरा मन सेवा से भागता है, लगता है दो दिन सो आऊं, अब वो भी पूछने मत आना, अब हम यहां से जाने नहीं देंगे। और ये भी मत सोचना तुमने कह दिया कि मेरा मन सेवा से भागता है तो शायद ये लोग छोड़ देंगे, अब आज तो मैं सबको गाइड करूंगा ज्यादा सेवा लिया करो, जब तक कि इसको सेवा से प्यार ना हो जाए, जब तक कि रात को भी उठ के चार टैचियां ऊपर ना चढ़ा के आए, ये भी सोच लो। यहां आलसी व्यक्ति का कोई काम नहीं, सेवा में रहो, रहनी सी ठीक करो, व्यवहार सिद्धि हो, तुम्हारे सुबह उठने से रात सोने तक सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, तब बात बनती है। बीच में पढ़ाई का भी टाइम निकालो, सेवा का भी टाइम निकालो, ये नहीं सेवा में लगे तो पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई में लगे तो सेवा छूट गई, कुछ नहीं छूटना चाहिए, हर फेज को साथ लेके चलो, पूरा खाना पूरा सोना पूरी रहत रेयान हेमा सुक्की खान, हर चीज पूरी चाहिए यहां पे, पूरा खाना पूरा सोना पूरी रहत रेयान, वे कपड़े भी धोबी से प्रेस कराते, हम लोगों को तो भगवान मारते थे हर चीज के लिए, रिक्शा नहीं करने देते थे, वहां उनके घर से रायल होटल था, वहां से हर जगह का टेम्पो मिलता था, अब दूर दूर जाना होता था, एक दिन उन्होंने देख लिया था किसी को रिक्शा में बैठे, इतना गुस्सा किया, हराम के पैसे हैं मेरे को दे दो, और अच्छा खासा रास्ता होगा, कुछ नहीं यहां से पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन तो होगा, थोड़ा कम होगा उससे, इतना रास्ता तो अच्छा भला था, और वो बोलते थे तुम इतना चल नहीं सकते हो क्या, हराम के पैसे हैं मुझे दे दो, पैदल चलो। दोपहर को 12:30 सत्संग खत्म हो और हम सारे पैदल पैदल दौड़े जा रहे, और शुरू में अगर खत्म करते थे 10:30 तो भी 11:30 बजती थी उनके घर से निकलते निकलते, सारे हम 15-20 लोग पैदल पैदल जत्था चला जा रहे, कोई रिक्शा नहीं करेगा, चलो पैदल, इतना आलस तोड़ते थे भगवान सबका, करो पैदल जाओ, वहां से जाके टेम्पू लेना आगे से, क्यों करनी है रिक्शा,
टांगे टूटी है क्या तुम लोगों की, ऐसे डांट पड़ती थी। ये कोई खेल नहीं है। सतगुरु सिख की हलत पलत दो संवारे, दोनों संवारता है गुरु, हलत पलत सब। आजकल तो बहुत अच्छा टाइम है तुम लोगों का, और हम लोगों से भी ज्यादा वो अपनी बताते थे जो उन्होंने मेहनत की। हमारे समय में फिर कुछ अच्छा हो गया था, और अभी तो बहुत ही आराम है। उसके बाद भी तुम लोग आलसी, क्यों? सारा समय अपने को विचार देते हो, ये विचार देते हो, मैं इतने बजे से उठा हूं, मैंने इतना काम किया है, मैं थक गया हूं। अगर तुम सेवा करने लगे हो, इम्यूनिटी नहीं बढ़ी तुम्हारी? बढ़ी है कि नहीं? जो पहले थकान होती थी उतनी होती है अब? बढ़ने बढ़ रहा है ना स्टेमिना अंदर। फिर फायदा देखो ना, तुम्हारा अपना फायदा है। मेहनत करो, खाली क्या बैठना। कहते थे सोया और मोया बराबर, भगवान बोलते थे सोया और मोया एक बराबर है। जो दिन भर सोता रहता है, आलस करता है, मुर्दे के बराबर है वो। सब काम करना आना चाहिए, सब सीखो, हर काम अच्छे से करना है, परफेक्टली। कभी हम लोगों ने धोबी से कपड़े नहीं प्रेस कराए अपने, घर करते थे। क्यों? भगवान बोलते थे वेस्ट करते। वहां भी होते थे, पूछना पड़ता था धोबी से कपड़े प्रेस करा लें, अगले के घर इतनी बिजली भी लगेगी, सब होगा, फिर टाइम का भी अभाव। वहां परमिशन एक आध बार दे देते थे, और नहीं तो पता है क्या बोलते थे, कपड़े धो के इतनी अच्छी तरह छांट के डालो बलना आए उसमें, फिर उतार के इतनी अच्छी तरह लपेटो कि प्रेस्ड लगे, ज्यादा है दादा की तरह तकिए के नीचे रख लो। ऐसे चलते थे, चलाया भी बहुत कम खर्चे में। कहते थे अगर तुम्हारे खर्चे ज्यादा होंगे, कमाने का भी तो दिल करेगा, मेरे खर्चे ही नहीं पूरे होते। तो कहते थे बिना खर्चे के चलो, टेरी कॉट के, डीसीएम का टेरी कॉट आता था ना, बोलते थे हमको उसके कुर्ते पजामे बनवा लो। शुरू में बहुत पहने हमने, वही दो चार जोड़े ले जाते थे, कहते थे नहाते नहाते धुल जाता है, प्रेस का झंझट नहीं, यही तीन चार ले आया कर। ऐसे भी चलाया, कोई शान शौकत में नहीं चलाया। एक के घर जाते थे, उसका नीचे तो घर बना हुआ था, ऊपर शेड पड़ा था लोहे का, सीमेंट वाली चादरें भी नहीं थी, लोहे का, और भरी गर्मी में हम दोपहर को वहां सोते थे। दरवाजा खुला छोड़े तो बाहर से लू आती थी, दरवाजा बंद करो तो पंखा लू फेंकता था। जब तक शाम को उतरो ऐसे भीग जाते थे पूरे, पर गुरु ने कभी तरस नहीं खाया। कहते थे अब पता चलेगा, आए हो ना बड़े शेर छपाने आए हो, फिर वो दृष्टांत बता देते थे, आए शेर छपाने और डरते हो सुई के चुभने से। हर सुख सुविधा से उन्होंने ऊंचा उठा के देखा, अच्छे भले घर ऑफर करते थे लोग, और ऐसे घर बेचते थे जहां पानी भी बाहर से भर के लाओ। अभी तो बहुत सुख से रहते, लेकिन उनकी भलाई समझ में आती थी। कहते थे एक आधार सुख का तुम्हें वापस घसीट लेगा, तुम्हें हर तरह से चलने की आदत हो। कभी ये ख्याल ना आए मैं ऐसा नहीं चल सकता, नहीं तो वापस माया में घिसते जाओगे। सब कुछ होते हुए भी फकीरों की तरह चला देते थे। चप्पल टूटती टूट जाती थी, कहते थे इसको मोची से बनवाओ, तुम्हें कम में चलना नहीं आता क्या? एक बार बस लेके गए थे हमने, सबके खाने का अरेंज करवा लिया,
सबने कहा अगर 100-100 रुपये फालतू पड़ेगा हम दे देंगे, आप थालियाँ पैक्ड रखवा लो। इतनी डांट पड़ी थी हमको जाके, बोले क्या करना था, सबको बोलो घर से अपनी दो दो रोटी ले आए, कोई आलू ले आए, कोई करेला ले आए, कोई अचार ले आए, रस्ते में एक जगह रोक के चाय ले देनी थी, खा लेते, उसकी भी क्या ज़रूरत थी। एक तो पूछते थे, हर चीज़ उनको पता रहती थी, हमने कहाँ क्या किया, कहाँ हम रुके, कहाँ खाया, क्या खाया, पता रखते थे। लेकिन इतना भी उठाया, बोले ठंडी रोटी भी खा के देखो, अचार से भी खा के देखो, तो भलाई तो इसमें हमारी अपनी होती है। अगर तुम यहाँ आके सुख बुद्धि रखोगे तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा, सुख बुद्धि सब बाहर फेंक के आओ। यहाँ तन को चलाने की आदत डालनी है और हर तरह से, तब बात बनेगी। हर सुख से भी ऊंचा उठना है, सेवा में भी लगाना है अपने को, मेहनत तो जितनी कर सकते हो अभी कर लो, फायदा होगा। बाकी आलसी का और जबान के रस के व्यक्ति का यहां उद्धार नहीं है, यहां तो मेहनत है। आई बात समझ में?